नमस्कार दोस्तों, राघव सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे संबंधित प्रश्नावली को देखेंगे। देखिए, जो मैंने इसमें 30 क्वेश्चन लिए वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो समय व्यर्थ न करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नहीं पसंद आ रहे हैं तो भी बताएं, लेकिन उसके साथ ये बताएं कि क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं, कारण भी बताएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वो द्रव्यमान कहा है, ठीक है। द्रव्यमान को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या शब्द यूज किया गया है, ठीक है। तो द्रव्यमान जो पृथ्वी का होता है वो लगभग, सॉरी, पृथ्वी के मेंटल का वो लगभग 68% होता है, ठीक है, 68%, जबकि आयतन जो होता है मेंटल का वो 83% होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर है 68%, ठीक है, 68। नेक्स्ट, मोह असंबद्धता स्थित है। ध्यान से देखिएगा, मैंने असंबद्धताएं बताई थी आपको, तो मोह असंबद्धता स्थित है, वो स्थित है क्रस्ट और मेंटल के बीच, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जो ये क्रस्ट होता है इसके नीचे जो मेंटल होता है यहीं पे पाई जाती है मोह नामक असंबद्धता, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर, ठीक है। मैंने बताया था कि प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और अगर हम देखें ये वाला ऑप्शन, तो ये जो है, अगर हम पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो 165 मीटर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ वृद्धि होती है। आप पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं और वृद्धि होगी, ठीक है। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है, ठीक है। मेंटल यानी कि प्रवार, तो हम जानते हैं यह बना है सीमा से, ठीक है। तो सीमा अर्थात सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, वहीं पे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। ध्यान रखिए, वीडियो मैंने बताया था इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर है स्विस महोदय ने, ठीक है। नेक्स्ट, भूपरपटी में पाया जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, हम जानते हैं चट्टान वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि जो भूपरपटी होती है वास्तव में उनमें कुल 8 तत्वों की प्रधानता होती है, हालांकि इनमें सिर्फ 4 लिया है। उनमें हमने देखा था कि सबसे अधिक ऑक्सीजन होता था 46.6%, सिलिकॉन 46.6, ऑक्सीजन सिलिकॉन 27.7, एल्युमिनियम 8.12, और लोहा होता था 5%। यानी कि क्रम से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए ध्यान से, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, अस्थल मंडल में सम्मिलित है। देखिए, अस्थल मंडल जो है, हम जानते हैं कि अस्थल मंडल की जो मोटाई होती है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है।
ठीक है। इस 100 किलोमीटर में हम जानते हैं कि जो भोरपट्टी होती है 35 किलोमीटर, अर्थात ऊपरी और निचली दोनों, और मेंटल का 65 किलोमीटर इसमें समाहित होता है, ठीक है। तो कुल 100 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन देखते हैं हम, तो ऊपरी भूपट्टी, भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल चट्टान की प्रधानता है। कोर को बेरिस्फेयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% या द्रव्यमान का 83% मेंटल में व्याप्त है। देखिए, अभी हमने प्रश्न में चर्चा किया था कि पहला जो प्रश्न था उससे मैंने बताया था कि ध्यान से देखिएगा, उसने पूछा था द्रव्यमान, ठीक है, और मेंटल का द्रव्यमान उसने हमने देखा था 68% था, और जो मेंटल का आयतन होता है वो होता है 83%, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो ये इसे उल्टा दे दिया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33% है, जी हाँ। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, यह भी सही है, ठीक है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जी हाँ। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक है, ये गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा था कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो हमने बात किया था इस पर, और हमने बताया था कि जो भूकंप विज्ञान है, जो भूकंपीय तरंगे हैं, उससे हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में उचित जानकारी मिल पाती है, ठीक है। ज्वालामुखी प्रक्रिया, चूंकि ज्वालामुखी का जो मैग्मा होता है, यह हमने देखा था कि ये एस्थेनोस्फेयर के समीप से ही निकल आता है, जबकि पृथ्वी की जो संरचना है, कोर है, वह 6400 किलोमीटर गहराई तक है, ठीक है। तो भूकंपी विज्ञान, जो भूकंप विज्ञान है, ये हमको सही जानकारी उपलब्ध कराता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेंटल यानी कि प्रवार की बात कर रहे हैं, या ध्यान से देखिएगा, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, जी हाँ। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, ये तो नहीं हो सकता। पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान का 61% भाग मेंटल है, जी हाँ। इसका घनत्व तो 3 से लेकर 5.5 तक है, जी हाँ। यानी कि इसमें जो बी ऑप्शन है ये इसका ये गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? ध्यान से देखिए, कल मैंने बताया था इस पर। तो देखिए, जो बेरी स्फीयर होता है, हमने चर्चा किया था, वो कोर को कहा जाता है, ठीक है, सी। स्थलमंडल का तात्पर्य है, स्थलमंडल का तात्पर्य पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से है, ठीक है, ये 100 किलोमीटर मोटी है उसी से बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखिएगा, इधर पूछा हुआ है सत्य। ठीक है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो चट्टानों से हुआ है। कोड में निकिल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। जी हाँ, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। जी हाँ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं सबसे ऊपर सियाल, फिर सीमा और फिर निफ्फी। ठीक है, 2, 1, 3। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ध्यान से देखिएगा, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? जी हाँ, राइट आंसर बी। धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? ध्यान से देखिएगा, पहले सभी असंबद्धताओं को ध्यान से देखिए पहले, फिर देखिएगा। हम जानते हैं पहले है कोनराड, फिर है मोहो, फिर है रैपची, फिर है गुटेनबर्ग और फिर है लेहमैन। ठीक है, अब देखिए मोहो को पूछ रहा है। तो कोनराड जो होती है ये लगभग 18 किलोमीटर गहराई में ऊपरी भूपट्टी को निचली भूपट्टी से बांटती है। ठीक है, फिर मोहो ये क्या करती है? मोहो जो है भूपट्टी को प्रवार से अलग करती है। ठीक है, तो भूपट्टी की मोटाई लगभग 30 से 35 किलोमीटर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, पृथ्वी की भूपट्टी में कौन सा तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपट्टी की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और इन्हीं तत्वों में से बताना है। ध्यान से देखिएगा, इन तत्वों से बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था कि सबसे अधिक ऑक्सीजन 46, उसके बाद सिलिकॉन 27.7, उसके बाद हमने देखा था एल्युमिनियम 8.12 के आसपास। तो एल्युमिनियम आगे आगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ध्यान देखिएगा, पृथ्वी केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निकेल और लोहा यानी कि निकेल और लोहा यानी कि निफे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिएगा, स्थलमंडल का विस्तार कितने सेंटीमीटर सॉरी कितने किलोमीटर गहराई तक है? स्थलमंडल, अभी हमने चर्चा किया था कि स्थलमंडल की मोटाई लोहे लगभग 100 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ठीक है, ये भी अभी जो चर्चा किया हमने, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम शियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से देखिए, होम्स, जेफ्रीस, स्विस, डेली। तो अभी हमने बताया था, चर्चा किया था, तो स्विस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा गया? व्हाइट ऑफ द अर्थ, ध्यान से देखिएगा, व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल कहा गया। अगला प्रश्न 25, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को निम्न भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं। स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था,
उनके विभाजन में नहीं है। तो हमने देखा था सियाल था, सीमा था, निफे था, लेकिन सबस्टम नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है 26। पृथ्वी की तीन संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपरी परत है सियाल, दूसरी परत है सीमा अर्थात सिलिकॉन मैग्नीशियम, तीसरी है निफे। तो ऊपर दूसरी परत कौन सी है? सीमा। क्वेश्चन नंबर 27। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखिएगा। तो महासागरी का जो नितल है वास्तव में ये बेसाल्ट का बना होता है, जबकि महाद्वीपों का ग्रेनाइट से बनता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार अर्थात मेंटल के नीचे कोड निम्नलिखित में से किससे बना है? ध्यान देखिए, जो क्रोड है वो बना है, जानते हैं हम, वहाँ पे निकिल है और फेरस, फेरस को ही आयरन यानी कि लोहा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 29। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम है? या देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पूरे। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसमें 75% परतदार चट्टान होती है, और उसके थोड़ा नीचे ग्रेनाइट होता है और उसके नीचे बेसाल्ट होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इज राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है, यह विभाजन किसका है? देखिए, मैंने वीडियो में बताया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के में, जो पिछला वीडियो हमने देखा था, होम्स, जेफरीस, डेली या ग्राट। वंडर द ग्राट ने बताया था कि यह जो है भोरपट्टी, प्रवार और मेंटल, यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर में इसको बांटा था। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू।